हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुकीर्ति एंड ये वीडियो जो है वो हमारा होने वाला है बुक्स के बारे में, गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन लाइक नॉर्सेट। मार्केट में हमारे पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन के लिए, ठीक है जी। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बेसिक बुक्स के बारे में जो ऑलमोस्ट आई गेस हर कोई ही पढ़ता है, ठीक है। एंड उन बुक्स के बारे में सबको पता ही होगा। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट बुक, विच इज वेरी वेरी बेसिक बुक अकॉर्डिंग टू मी। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको ये बुक जो है वो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और अपनी प्रेपरेशंस मैं तो बोलूंगी आप इसी बुक से स्टार्ट करिए, ठीक है। सो दिस बुक इज PR यादव। बिल्कुल सबने इस बुक के बारे में सुना होगा एंड हर कोई जो है इस बुक को बेसिकली पढ़ता ही पढ़ता है, ठीक है जी। ये वाली बुक जो है वो हमारे पास 2 वर्जन में अवेलेबल है, लाइक इन द थ्योरी एंड इन द MCQs वर्जन। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो ना अपने किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम के लिए, तो आप ट्राई करिए कि आप इसका थ्योरी एंड MCQs बोथ वर्जन परचेज करिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक बुक है, लैंग्वेज बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी ये बुक। देन वी मूव टू आर सेकेंड बुक विच इज़ टारगेट हाई, ठीक है जी। टारगेट हाई बुक इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक फॉर द प्रेपरेशन एंड टारगेट हाई भी जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें से पढ़ते हैं, ठीक है। टारगेट हाई बुक का एक बेनिफिट ये है कि उसके लिए आपको 2 अलग अलग बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। उसमें MCQs एंड थ्योरी पोर्शन दोनों चीज़ें जो है वो एक बुक में ही आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी एंड द प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉट दैट मच हाई। और टारगेट हाई बुक जो है वो लाइक जब भी उसका कोई नया वर्जन मार्केट में आता है तो उसमें जितने भी तब तक के पुराने एग्जाम्स हुए होते हैं उन सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो है वो उस बुक में वो लोग इंक्लूड करते हैं एंड प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो इधर PR यादव से स्टार्ट कर सकते हो और आप टारगेट हाई जो है वो भी पढ़ सकते हो। टारगेट हाई जो है वो थोड़ी बेसिक टू मिड तक जाती है, लाइक बेसिक से थोड़ा सा जो हाई लेवल का क्वेश्चन होता है वो दोनों उसमें कवर करती है। तो अकॉर्डिंग टू मी टारगेट हाई जो है वो भी एक बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। अगर आप वो वाली बुक पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो बुक परचेज करिए, आप उस एंड आप उसमें से अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी तक मैंने जिन बुक्स के बारे में बात करी है सबने उन बुक्स को पढ़ा है, सबने उन बुक्स के बारे में सुना है एंड आर थर्ड बुक इज ऑल्सो नॉट डिफरेंट। सबने इस बुक के बारे में भी सुना है, ठीक है। बट आई थिंक कि इस बुक को कोई कोई जो है वो ही पढ़ता है, सब लोग इस बुक को नहीं पढ़ते हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आर थर्ड बुक। सो दिस बुक इज इन एनक्लेक्स बाय सॉन्डर्स, ठीक है। मेरे पास तो ये बहुत ही पुराना वर्जन है बट आई थिंक हर साल या एवरी सेकेंड ईयर इसका जो है वो नया वर्जन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। एंड बुक की लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट है, जो इसकी इंग्लिश है वो अकॉर्डिंग टू जो एनक्लेक्स एग्जाम होता है उसके बेसिस पे है। तो इसकी लैंग्वेज नो डाउट थोड़ी सी डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप इस बुक को भी पढ़िए, ठीक है। दिस बुक इज ऑल्सो वेरी गुड। आई पर्सनली प्रेफर दिस बुक फॉर माई एग्जाम प्रेपरेशन और मैंने इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़े हैं। और ये बुक जो है ना वो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो है ना उनको भी कवर करती है, वो भी इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करा गया है। बहुत सारे मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक्स जो हैं वो इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे गए हैं। और अगर आपने अपना बेसिक लेवल जो है वो क्लियर कर लिया है, लाइक अगर आपने अपना PR यादव क्लियर कर लिया है प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लिया एंड आपके अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप इस बुक को भी पढ़िए। बिकॉज जो आजकल नॉर्सेट का पैटर्न है ना, जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो एनक्लिक्स में ना हर चैप्टर के लास्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, कि कैसे आपको सॉल्व करने चाहिए, कैसे आपको प्रायोरिटीज़ को देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो आप डेफिनेटली इस बुक को पढ़िए और इसमें से आपको जो है वो बहुत हेल्प होगी, ठीक है। सो गाइस, ये थी हमारी बेसिक 3 बुक्स, ठीक है, जो मुझे लगता है कि हर किसी को तो पढ़नी ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि ट्राई टू कीप योर रिसोर्सेज एज लेस एज यू कैन। ज़्यादा बहुत सारी बुक से पढ़ने से बेटर है कि आप कम बुक्स में को ही बार बार पढ़िए, रिविजन करिए। बिकॉज ना मुझे ऐसा लगता है कि हर बुक में ना ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं, बस किसी एक बुक में आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। एट द एंड गाइस, मैं इस वीडियो में एक और बुक के बारे में बात करना चाहूँगी। दिस बुक इज दिस वन। ये बुक जो है ये मैंने परचेज करी थी ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन टाइम और मैंने इसमें से ही इस बुक में से ही अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है। ये बुक ऑलमोस्ट सेम है PR यादव के जैसी ही, ठीक है। इसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है, ठीक है, एंड
जो टॉपिक्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही लिखे हैं दोनों बुक्स में, जहाँ मैंने दोनों, क्योंकि मैंने दोनों बुक्स को पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे जो समझ में आया कि दोनों बुक्स जो है वो एग्जैक्टली तो नहीं बट ऑलमोस्ट सेम है। कुछ एक चीज़ें हैं जो दोनों बुक्स में थोड़ा बहुत अलग है, जो कि ऑलमोस्ट रहता ही है, ठीक है, हर ऑथर का। बट इस बुक का एक चीज़ ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, बिकॉज ना ये बुक के ना हर एंड में ना क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। अगर आपका लाइक अगर आप कोई भी टॉपिक खत्म करते हो ना, तो उस के रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो दिए हुए हैं, विच इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर मी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसके साथ ही मैं अपना आज का वीडियो खत्म करती हूँ यहीं पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, तब तक के लिए।